कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। एक बार फिर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 30,000 के पार आए हैं। रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 30,983 नए मामले सामने आए। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बीते 24 घंटों में संक्रमण के कारण 290 लोगों की मृत्यु भी हुई है। राहत की बात रही कि इस दौरान 36,650 इस बीमारी से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 13,13,361 हो चुकी है और इसके अलावा 10,04,447 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 2,95,752 ये संख्या पहुंच चुकी है। मृतकों का आंकड़ा 13,162 पर है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ लखनऊ से। दीपक, विस्तार से हमें उत्तर प्रदेश का हाल बताएं। जी भारती जी, बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब होती नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार प्रदेश में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं प्रदेश की स्थिति चिंतनीय और दयनीय है। जिस तरह से कल 290 लोग मरे हैं कोरोना से, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि लगातार प्रदेश में मौतों का जो आंकड़ा है बढ़ रहा है। और जिस तरह से आपको बता दें, कल पंचायत चुनाव का मतगणना था, उसमें आपने खुद देखा होगा कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और आप जिस तरह से बताया जाता था 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, वहां पर ये सब तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया और भीड़ खचाखच दिखाई दी। अब देखने वाली बात ये है कि पंचायत चुनाव तो हो गए हैं, क्या होता है, क्या केस बढ़ते हैं या आगे आने वाले दिनों में प्रदेश की स्थिति किस तरह से होगी। दीपक, ये बताएं कि 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन उपलब्ध हो चुकी है, इस पर क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के कई अस्पतालों में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और लगातार युवा बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वो भी जान रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से कहीं ना कहीं इस संक्रमण से बचा जा सकता है, इसीलिए लगातार युवा वैक्सीन का डोज ले रहे हैं। जी, और दीपक, अगर बात की जाए ऑक्सीजन व्यवस्थाओं की, वेंटिलेटर बेड की, ऑक्सीजन बेड की, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? क्या किल्लत से उबर पाए हैं क्या अस्पताल अभी तक की नहीं? जी, बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत है, कहीं ना कहीं जो आज भी कालाबाजारी हो रही है, इससे स्थिति प्रदेश की लगातार खराब हो रही। वहीं बात की जाए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार फील्ड पर उतर कर कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन जो कालाबाजारी वाले लोग हैं वो आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर वो सुधर जाते तो शायद कहीं ना कहीं प्रदेश की जो स्थिति है वो आज पहले से बेहतर होती। जी, इसको रोकने के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं योगी सरकार की ओर से? क्या कुछ कमेटी बनाई गई है? क्या बता दें कि जिस तरह से योगी सरकार कार्य कर रही है, इसको रोकने के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है और NSA लगाने की जैसी कार्रवाई भी कर रही, लेकिन अभी तक कुछ ही लोग पकड़े गए। अभी जो इसका पूरा चंगुल है वो नहीं पकड़ा गया। अगर इन लोगों को पकड़ लिया जाए जो जिस तरह से लगातार कालाबाजारी का कार्य कर रहे हैं, अगर उनको पकड़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश की स्थिति आज भी सुधर सकती है, लेकिन कालाबाजारी लोग नहीं सुधर सकते हैं। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन लोग कालाबाजारी करने से चूक नहीं रहे हैं, वो आज भी आपदा में अवसर ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता दीपक पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि यूपी में भी कालाबाजारी जोरों पर है। इस आपदा के बीच में ऐसे लोग अवसर ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से कमाई का जरिया इसे बनाया जाए।